हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। टुडे वी सी चैप्टर फर्स्ट, पर्यावरण ऑफ सेवेंथ क्लास सोशल साइंस। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें हम क नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, पारितंत्र क्या है। पारितंत्र क्या है इसका आंसर देखते हैं, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं इसका आंसर देख लेते हैं, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ग, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं इसका आंसर देख लेते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, प्राकृतिक घटक, खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी दिया गया है, मानव निर्मित घटक, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग पार्क आदि, ठीक है। आदि पर्यावरण के घटक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए इसका आंसर आ जाएगा, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग पार्क आदि, ठीक है। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग पार्क आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छ, स्थल मंडल क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्थल मंडल क्या है इसका आंसर लिख करते हैं, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ठीक है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, यह मिट्टी की ऊपरी परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलकृतियों वाला विषम धरातल होता है, ठीक है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलकृतियों वाला विषम धरातल होता है।
ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर के सतह पर भी पाई जाती है। ठीक है, यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर के सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं, इसका आंसर देखते हैं। जीवीय पर्यावरण के दो घटक, ठीक है, पेड़ पौधे एंड पशु पक्षी। ठीक है, जीवीय पर्यावरण के दो घटक पेड़ पौधे एंड पशु पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं जैसे जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, जिसे जीवमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है। ठीक है, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं जैवमंडल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, यहां पर हमें सही विकल्प चुनकर राइट करना है। ठीक है, क नंबर भी हमें दिया गया है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते इसमें हम, मरुस्थल, ताल, वन। ठीक है, तो इनमें से प्राकृतिक पारितंत्र ताल नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ताल राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है? इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्थल, धर्म, समुदाय। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्थल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहाड़, समुद्र, सड़क। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सड़क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? ऑप्शन देख लेते हैं। पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका आंसर देखते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी सफलता के अनुसार, ठीक है, और उसमें अपनी सफलता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है। ठीक है, वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के उद्योग की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है। ठीक है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ठीक है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को
पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। ठीक है, ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे एवं जंतु, जो जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, इसका आंसर देख लेते हैं। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल भी एक पारितंत्र हो सकते हैं। ठीक है, एवं छोटे से ताल भी एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है,